हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ और मस्त होगे, एकदम प्रसन्न चित्त होगे। बच्चों, इससे पहले जो भी वीडियो हमने इसमें अपलोड की, इस चैप्टर से, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, बहुत सारी वीडियोज अपलोड की अभी तक, जीरो लेवल से हमने शुरुआत की और अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, फैक्टराइजेशन तक। तो ये फैक्टराइजेशन में दूसरे नंबर की वीडियो होगी, ठीक है? अब जिस किसी को भी ये लगता है कि उसको मैथ मुश्किल लगता है, तो दो ही रीजन्स हैं। एक तो कॉन्सेप्ट नहीं आता और दूसरा अलजेब्रा नहीं आता। जिसको अलजेब्रा नहीं आएगा उसको मैथ मुश्किल लगेगा, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत थोड़े से लेवल तक है। हालांकि एसएससी वगैरह में अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, लेकिन अलजेब्रा जिसको आ जाता है उसको लगता है कि मैथमेटिक्स ईजी कॉन्सेप्ट है, ईजी है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको मैथ मुश्किल लग रहा है, तो आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उनको देखें और आपको समझ में आएगा कि अलजेब्रा जो है वो जीरो लेवल से अगर शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से होता चला जाता है। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसको बेसिक उसका सीख लें पहले, तभी आपको इजी लगेगा। ठीक है, आज हमने लिख रखा है इस पे कि आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा, और फैक्टराइजेशन बताऊंगा सिर्फ आइडेंटिटी बेस्ड। पहले भी किसी वीडियो में बताया आइडेंटिटी बेस्ड फैक्टराइजेशन, लेकिन आज फिर से बताऊंगा मैं आपको कि आइडेंटिटी बेस्ड जो है वो फैक्टराइजेशन कैसे हुआ करता है। तो लिखते हैं, पहले दो तीन आइडेंटिटी लिख लेते हैं और उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उन क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। मान लो कि हमने यहाँ पर एक आइडेंटिटी पहले क्या लिख ली कि ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होता है, कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको कि दिस इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस बी का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपके पास कोई भी कंसेप्ट अगर इस टाइप का दे रखा है, तीन नंबर्स दे रखे हैं और सब प्लस के दे रखे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये आइडेंटिटी लग रही हो। तो उसके लिए हम बताएंगे आपको कि जैसे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी उसमें से एक टर्म क्या है, जैसे बी स्क्वायर होगी और एक ए स्क्वायर, यानी किसी न किसी नंबर की वो स्क्वायर होनी चाहिए। मान लो कि दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या लिख ली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ए माइनस बी और ए माइनस बी, यानी दोनों माइनस के हैं। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा। फिर हमने तीसरा एक लिख लिया क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल है। तो हमारा मेनली फोकस होगा इस वीडियो में इन तीन आइडेंटिटीज को लेकर के। ठीक है, तो आप होल स्क्वायर जान लें कि होल स्क्वायर कैसे होता है, और होल स्क्वायर यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ माइनस वाले के साथ में है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको इसके बराबर लिख लेते हैं, जो कि ट्रू नहीं है। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है बच्चों कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है बी माइनस ए के होल स्क्वायर के। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर के लिख लिया, तो ऐसा नहीं है। क्या इक्वल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, अब कुछ क्वेश्चंस लिख लिए। मान लो कि हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर एज इट इज बनी हुई है। और आप देखिए, जैसे एक्स का स्क्वायर यहाँ लिखा 4x प्लस का 4, ये मेंशन है इस पर। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी है तो ये ओरल सा है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 इसका क्या है कि फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इनमें से पहले देखें और कंपेयर करें। जैसे इसमें तीनों प्लस के हैं, इसमें भी तीनों प्लस के हैं, है ना, तीन टर्म यहाँ तीन टर्म यहाँ है, इसका मतलब इसका फैक्टर इस फॉर्मेट में आएगा। अब हमने क्या देखना, ए का स्क्वायर यहाँ एक्स का स्क्वायर, तो आप इस फॉर्मेट में लिख लो, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस यहाँ 2 है,
बी का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर फोर होता है, तो फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा जा सकता है। अब ये लिखा है फोर एक्स, तो यहाँ क्या लिखा है टू ए बी, तो टू तो एक ये फार्मूले का आ गया और ए की वैल्यू कितनी है ये एक्स, तो एक्स यहाँ लिख लिया, और बी की वैल्यू कितनी है टू, तो यहाँ पर टू लिख लिया, टू टू या फोर देखो ये इसके इक्वल हो गया ना। अब जब ये ऐसा है तो ये प्लस ये का ये इसने ए प्लस बी और ए प्लस बी लिख लिया या होल स्क्वायर लिख लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके अगर फैक्टर करें तो ये दो बार लिखा जा सकता है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वे। तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा कि क्वेश्चन को मुश्किल करता जाऊंगा, आपको हर लेवल का क्वेश्चन बताऊंगा इसमें कि इन तीन आइडेंटिटी से क्या क्या हो सकता है। इसको भी हटा लेते, इसकी हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये अलजेब्रा की ये आइडेंटिटी जो है हमारी इरेशनल नंबर यानी सर्ट्स में भी यूज हुआ करती हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लें। ये नाइन्थ में भी हैं और एट्थ में भी इस टाइप की हैं, तो आप इन पर ध्यान दें। और एसएससी में बोर्ड हर एक बोर्ड में ये पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ लोग, हमने लिखा ये क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का नाइन लिखा हुआ है, ये रूट के अंदर भी हो सकती है, ठीक है अभी लिख करके देखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगाई जाएगी, है ना। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा ए का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स का होल स्क्वायर, और ये प्लस का नाइन यानी थ्री का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ माइनस तो माइनस टू ए भी है ना, तो टू आ गया, ए की जगह पे कितना है एक्स और बी की जगह पे कितना है थ्री है, ये बी है ना, तो बी की जगह पे क्या आ गया थ्री आ गया, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिक्स एक्स के बराबर आ गया ना, तो अब इसका मतलब क्या है कि इसने लिखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको दो बार लिख लिया, तो हम भी क्या कर सकते हैं कि एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी फैक्टर करेंगे, इससे आगे की वीडियो में मैं इस बात को बताऊंगा आपको। ये किसके बराबर आ जाएगा, दो बार इसको लिख लो एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये फैक्टर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। सपोज करो कि मैंने लिख लिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 16। अब इसमें दो ही टर्म दे रखी हैं, हमारे किस आइडेंटिटी में दो टर्म दे रखे हैं, इस आइडेंटिटी में दो टर्म दे रखे हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर है या माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जैसे इसको मैंने लिखा कि एक्स का स्क्वायर और फोर और 16 किसका स्क्वायर है फोर का, तो मैंने इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना बच्चे। अब देखो क्या हो सकता है, ये प्लस ये और ये माइनस ये, चाहे ये माइनस ये और ये प्लस ये लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी x प्लस फोर और x माइनस फोर, ठीक है। ये इसका क्या होगा कि फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी इस तरीके से लगाई गई। अब जो इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में, जो भी कोई सा भी पेपर होगा तो उसमें इतना इजी क्वेश्चन नहीं दे रखा होगा, तो देखते हैं कि और आगे के लेवल किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि क्वेश्चन में च्वाइस बढ़ती चली जाएगी, तो लेकिन ये क्या था, जब तक बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ये आसान से क्वेश्चन लिखे हैं, आप समझे इनको, नहीं अगर समझ में आए नहीं मालूम पड़े आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें और हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। और लिखा हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर, थोड़ा सा उससे बड़े लेवल का, यहाँ लिखा कि फैक्टराइज, ये सभी फैक्टरी कर रहा हूं मैं, पी का स्क्वायर प्लस 25 क्यू का स्क्वायर प्लस का 10 पी क्यू और माइनस का 36, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसमें तो चार टर्म है, यहाँ तो कहीं चार टर्म है नहीं, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि रीग्रुपिंग करके भी बनाया जा सकता है फैक्टर, तो इसमें भी रीग्रुपिंग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आप देखो कि ये पी स्क्वायर प्लस 2p 25 क्यू स्क्वायर प्लस 10 पी क्यू,
यानी यहां से यहां तक इस फॉर्मेट में इतना, ठीक है। और ये माइनस का 36 क्या लिख लूंगा, मैं माइनस 6 का स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है। तो पहले लिख करके देखते हैं, तो अब ये किस नंबर का होल स्क्वायर मुझे लग रहा है, थोड़ा सा बना करके देख लेते हैं। पी का स्क्वायर प्लस आ गया, और ये क्या है कि 10 PQ, तो 10 PQ ये इस टर्म को सेंटर में ले आए, पीछे भी लिखा रहेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिख लो 5 Q का स्क्वायर, अब 2 × P और × 5 Q, और ये क्या बन गया हमारा -6 का। अब ये नंबर किसका होल स्क्वायर हो गया, P+5Q का ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगा सकता हूं मैं, a² - b² इतने को a मान लो, ये b मान लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a+b और a - b हो जाएगा। तो करते हैं इसको, ये आ गया हमारा क्या, p+5q, ठीक है, और प्लस का 6 लिख लिया, यहाँ पे माइनस का भी 6 पहले लिखा जा सकता है, p+5q और माइनस का 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका क्या होगा कि फैक्टर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। जो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट आप शो करते हैं तो बहुत अच्छा ही आपको फील होगा। अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट नहीं फील शो करते हैं तो फिर नहीं, फिर ये अच्छा लगेगा आपको। और बहुत कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, ये आपको मालूम है, पढ़ना पड़ेगा। तो 20 एक और हमने लिखा, 25x² -4y² -9z² और ये हमारे पास क्या बन गया, प्लस का 12y z, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये यहाँ फिर से हम रिग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ देखो 25x² इसमें कोई स्क्वायर में नहीं है, इसका मतलब ये 2ab वाली टर्म है। अब 2ab वाली टर्म ये किस किस की हो सकती है, जिसमें बाई है और जेड है, तो बाई इसमें और जेड इसमें है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों माइनस है, तो हम क्या करें, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इतने वाले पार्ट में ये आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। तो ये 25x² किसके बराबर हो गया, 5x² माइनस कॉमन ले लिया, क्या बना, 4y² +9z², ठीक है। और प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस का 12y z आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखो ये क्या बन गया, 5x² और इसके जब फैक्टर करोगे तो ये वाली आइडेंटिटी क्या है कि इसमें लग रही है, 2y² +3z का, है ना। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे कि 2y और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लिया, और 3z² लगा लिया, ठीक है ना। तो इससे पहले किया ना इस टाइप का क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से दो, तो उसी के ब्याप पर ये है। अब हमारे पास क्या है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस ये और ये माइनस ये, यानी 5x और प्लस का 2y और माइनस का 3z, ठीक। आप देखो जब इससे इसको माइनस करोगे तो बहुत सारों को क्या कंफ्यूजन रहती है कि ऐसे ही लिख देते हैं माइनस लगा करके, तो वो गलत हो जाता। तो हमें जब माइनस लगाएंगे, यानी कहाँ गया, ये माइनस है और बी इतना बड़ा माइनस का है, तो इसके साइन मुझे क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y और प्लस का 3z। तो ये क्या होगा कि इस नंबर का, इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा पहले से, लेकिन पहले वाला अगर आपको आ जाएगा तो ये भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर बच्चों बहुत, फैक्टर के लिए बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो उनमें से हमने पहले सबसे आसान वाली आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया है ताकि आप इनको करें, ओके। और आगे एक लिखते हैं, कभी कभी क्या लिखा होता है कि जैसे ये लिखा होता है कि क्वेश्चन है कि एवेल्युएट
और यहाँ इसने क्या लिख रखा है कि 703 और मल्टीप्लाइड बाई 697। बहुत सारे टीचर बहुत सारे मैजिक बताया करते हैं कि इनका ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऐसे मल्टीप्लीकेशन, बच्चों सारे आइडेंटिटी बेस हुआ करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो, 703 को आप लिख सकते हो 700 प्लस का 3, इसको आप क्या लिख सकते हो 700 माइनस का 3। ठीक है, तो अब क्या आ गया, a plus b minus b आ गया, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिखा 700 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, जो आ जाए वही आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना है, 49, कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस का 9। ठीक है, माइनस सभी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, 10 में से 9 गया, 1 लास्ट में आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसका भी 9 आ गया, इसका 8 हो गया और इसका 3 हो गया, तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और देखते हैं एक क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बच्चे इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इससे आगे नेक्स्ट टाइप के आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो है आप हमारे वीडियो का फायदा उठा पाए। ये हमने क्या लिखा, एक ये क्वेश्चन है, यहां लिखा कि फैक्टराइजेशन 11p की पावर 5 और -44p, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहां तो 5 आ गया, ऊपर तो कोई 5 दे ही नहीं रखा, तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर भी p है और यहां पर भी p है, तो मैंने एक वीडियो में बताया कि कॉमन कैसे लिया जाता है, दोनों 11 से मल्टीपल है तो 11 आ गया, p आ गया, अब p की पावर क्या हो गई, 4 हो गई और 11 4 = 44 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो 11p आ गया और दूसरा फैक्टर इस फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको, क्या आ गया, p स्क्वायर का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब a प्लस बी और a माइनस बी इसका फैक्टर हो सकता, 11p आ गया, p स्क्वायर प्लस का 2 हो गया और पी स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। बच्चों इसको हम और भी आगे फैक्टर कर सकते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है वो भी बताते हैं। ये तो लिख लिया 11p, ये पी स्क्वायर प्लस का 2 हो गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, पी का होल स्क्वायर और -√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें फिर हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो ओवरऑल फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा कि 11p p² + 2 और p+√2 और p-√2। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है ना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो कमेंट जरूर किया करें कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, अगर नहीं लगी तो भी आप हमें बताएं कि सर इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं बहुत सीनियर क्लासेस तो इसमें हो सकता है कि क्वेश्चंस में कुछ बीच में छूट जाता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा कि उसमें इम्प्रूव करूंगा। ओके, तो जय हिंद।